अब हम जिनको बुलाने वाले हैं, जिनको ज़्यादातर लोग सुन भी चुके हैं और सुनना चाहते हैं बार बार, यानी कि मेरी मुराद प्रोफेसर बिलग्रामी साहब से, और बिलग्रामी साहब का ताल्लुक अलीगढ़ से है, जहाँ से हमारा भी ताल्लुक है। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, रिटायर कर चुके हैं, और आपने कई किताबों को लिखा है। इंग्लिश में तो बहुत सारे ऑथर्स किताब लिखते हैं जो भी एक प्रोफेसर होते हैं, लेकिन आपके कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इसलिए भी कि आपकी 5 किताबें उर्दू में भी शाया हो चुकी हैं, जो हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि ऐसा स्कॉलर जिसने इंग्लिश में भी लिखा हो उर्दू में लिखा है। तो मैं बड़े अदब के साथ सर आपको बुलाना चाहता हूँ कि आप आएँ और अपनी तकरीर से नवाजें। मोजेज हासिलीन खवातीन हज़रात, आप लोग काफ़ी संजीदा हैं। संजीदा गुफ्तगु सुनते सुनते, संजीदा मौजूआत पर संजीदा फिक्र के साथ इतना संजीदा हो गए कि मुझे डर है कि मैं जब इकोनॉमिक्स में बोलूँगा तो और संजीदा हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है कि जो संजीदा मौजू होता है उसको गैर संजीदा कैसे बनाया जाए। कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ ये मेरी किताबों में भी है, और जो कुछ मैं बोलूँगा उससे भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं शायरी में इकोनॉमिक्स ढूंढता हूँ, मैंने गालिब में इकोनॉमिक्स ढूंढ ली, मैंने इकबाल में इकोनॉमिक्स ढूंढ ली, इस्माइल मेरिठी में इकोनॉमिक्स ढूंढ ली। वजह उसकी यह है कि जितना ये सब्जेक्ट धुतकारा गया, जितना ये सब्जेक्ट गैर मुहज्जब बताया गया, जितना ये सब्जेक्ट तहजीब और तमीज से दूर रखा गया, भाई पैसे कौड़ी की बात कर रहे हैं, कितनी बदतमीजी की बात है, उतने ही मेरे अंदर ये एक रद्देमल पैदा हुआ कि मैं हर जगह इकोनॉमिक्स तलाश करूं। गालिब में भी इकोनॉमिक्स तलाश कर ली, इकबाल में भी इकोनॉमिक्स तलाश कर ली, इस्माइल मेरिठी में भी इकोनॉमिक्स तलाश कर ली, शायरी में भी इकोनॉमिक्स तलाश कर ली, और बहरा इस पर मजामीन लिखे और लोगों ने उसको सराहा भी, तनकीद भी की, सब कुछ हुआ। लेकिन यह समझ बात आ गई कि किस तरह से इकोनॉमिक्स को, एक संजीदा मौजू को गैर संजीदा बना करके संजीदा बनाया जाता है। देखिए, बहुत फैलाव है। मैं इस छोटे से वक्त में सब कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ आपको बताऊंगा। आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स ने कोशिश की है आपको अशरफुल मखलूकात समझने की, और वो इसी वजह से कि आज हमको एक फ्रेज नजर आता है, द ह्यूमन फेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माशी तरक्की का इंसानी चेहरा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स ने इंसानी जब चेहरे की बात की है तो इसके मानी है कि इकोनॉमिक्स जो है वो अशरफुल मखलूकात को समझने की कोशिश कर रहा है। ये एक रिवॉल्यूशन है। वो सिर्फ आपको मादियत में लपेटना नहीं चाहता, सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपकी रिजा कैसी होगी, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपके लिबास कैसा होगा, आप कहां से कहां तक एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लवाजमात को समेटते रहेंगे, ये मादी जो अवामिल है उसी के गिर्द अपने आप को घूमना नहीं चाहता, इससे निकलना चाहता है। और जब निकलना चाहता तो कहता है कि हम माशी तरक्की के इंसानी चेहरे को देखना चाहते हैं। जब इंसानी चेहरे की बात कर रहा है तो इंसानी चेहरा जो है सिर्फ मादा नहीं है, बिल्कुल रूह भी है।
इसलिए मादी और रूह को समेटता हुआ इकोनॉमिक्स जो है वो अब कह रहा है कि इंसानी तरक्की का चेहरा जो है वो सिर्फ मादा नहीं है बल्कि रूह के साथ मिला हुआ है, सही और गलत की तमीज के साथ मिला हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमिक्स ने अशफुल मखलूकात होने के पहले जीने पर कदम रखा। अब उसका दूसरा जीना कह रहा है, तस्लीम कर रहा है, सब मांग रहे हैं। तीन लफ्ज इस्तेमाल किए गए इकोनॉमिक्स में, एक डिजायर, एक वांट, एक डिमांड। इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की जरूरत, इंसान की तलब। देखिए तीन दर्जे हैं। इंसान की ख्वाहिशात लामतनाही सब मानते हैं, सब तस्लीम करते हैं। वो बैठे बैठे चाहे जो सोच ले, चाहे जो डिजायर कर ले, चाहे उस काबिल हो चाहे ना हो, पाए ना पाए। एक नामिस ने कहा कि साहब ये बहुत ही गैर मुहज्जब जज्बा है, बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड है, इसको हम अपने दायरे में नहीं रखेंगे। हम मानते हैं फितरी बात है कि इंसानी ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन फिर उसने कहा जरा गौर करो, इन तमाम ख्वाहिशात के दरमियान में कुछ ख्वाहिशात इतनी मजबूत होती हैं, इतनी चमकदार होती हैं कि वो बार बार चमकती हैं, बार बार अपनी कुव्वत को दिखलाती हैं। आप बैठे हुए हैं, आपको एकदम प्यास लगी। अब प्यास की शिद्दत जो है वो तमाम ख्वाहिशात को पीछे कर देगी। बार बार प्यास लग रही है आपको, चाय की ख्वाहिश है, कॉफी की ख्वाहिश है, खाने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिशात ऐसी है तो तमाम ख्वाहिशात के दरमियान बार 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 चमक रही, उठ रही, मजबूत हो रही है, सारी ख्वाहिशात पीछे चली आ रही है। इकोनॉमिक्स ने कहा कि हां भाई ये चीज अहम है, ख्वाहिशात के समुंदर के दरमियान में इनको पकड़ो, और जब इनको पकड़ा तो उसका नाम दिया वांट, जरूरत। ये जरूरत है, ख्वाहिशात अपनी यहां पर तस्लीम, लेकिन कोई उसूल नहीं बनाया जा सकता। हां इसको देखा जा सकता है जो बार बार उठ रही हैं, आपको प्यास लग रही है तो सारी ख्वाहिशात पीछे, पानी पिएंगे, चाय की ख्वाहिश हो रही है, तमाम ख्वाहिशात पीछे चाय पी रहे हैं, सिगरेट की ख्वाहिश हो रही है, सारी ख्वाहिशात पीछे सिगरेट पी रहे हैं, ये मजबूत, इनको कहते हैं जरूरत। ठीक है साहब, अब देखिए इंसान की ख्वाहिशात के दरमियान बिखरे हुए इंसान को समेट करके उसने थोड़ा सा मुअज्जल, शफाफ, सामने का सीधा साधा सा इंसान बनाने की कोशिश की। अभी इकोनॉमिक्स मुतमईन नहीं हुई कि यह अशफुल मखलूकात होने का दर्जा नहीं, और उसको साफ करो और उसको जिला दो। कैसे? कि भाई जरूरत तो सबको है, पानी की जरूरत है तो किसी ने सादा पानी पी लिया, किसी ने फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पी लिया, किसी ने कोका कोला पी लिया, किसी ने और अच्छा कोई शरबत पी लिया, सबने अपने अपने तरीके से इस जरूरत की तस्कीन कर ली, मान लिया। लेकिन साहब अगर आप गौर करें तो यहां पर एक गैर मसावियत की लहर पैदा हो गई। उसने कहा ना, ये अशफुल मखलूकात होने का निशानी नहीं, मसावियत यहां पर नहीं है। फिर क्या किया जाएगा? अच्छा इसको और छांटो और साफ शफाफ बनाओ,
کیسے بنایا گیا وہ یہ کہ خواہشات تو ٹھیک ہیں, ہم نے مان لیا پانی کی ہے پانی ضرور پیئیں گے, چائے کی ہے چائے ضرور پیئیں گے, سگریٹ کی ہے سگریٹ ضرور پیئیں گے, گرمی میں ہم ہلکے کپڑے اور جاڑوں میں اونی کپڑے پہنیں گے, موسم سے بچاؤ کے لیے ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, اس کی ایک اور ڈگری ہے اوپر کی, وہاں انسان کو لانا چاہیے. وہ کیا کہ صاحب ضرورت تو ہوگی لیکن حسب اہلیت ہوگی. ضرورت کی تسکین تو ہوگی, سب کریں گے ضرورت کی تسکین, لیکن اپنی اہلیت کے مطابق کریں گے. کیا ہے صاحب, ایک دکان پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے قلم کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کیا سب ایک ہی سنگر کے قلم خریدتے؟ نہیں, کسی نے 10 روپے کا خرید لیا, کسی نے 25-30 روپے کا خرید لیا, کسی نے 100-200 روپے کا خرید لیا. ضرورت سب کو ہے, طلب الگ الگ ہے, اہلیت الگ الگ ہے, صلاحیت الگ الگ ہے. اس کو اکنامسٹ پکڑا, اکنامسٹ کہا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے, ضرورت کی ہر تکمیل ہو رہی ہے لیکن اپنی اہلیت کے مطابق. اور جہاں اہلیت کی بات آئی وہاں پہ سمجھ آئی کہ یہ صاحب ڈیمانڈ ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. اب ڈیزائر سے لے کر کے اکنامکس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجوں سے لاتے 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 ڈیمانڈ کے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا, اور تب کہا کہ ہاں اب یہ جو ہے انسان اپنی اہلیت کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے, تو گویا اشرف المخلوقات ہونے کا ایک درجہ پورا کر رہا ہے, یہاں پہ پورا کر دیا. اب ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتاتا ہوں, زیادہ نہیں وقت لوں گا کیونکہ سب بہت کچھ ہو چکا. بڑے بڑے ہمارے یہاں کے اکانومسٹ نے کوشش کی انسان کو معاشی ترقی سمجھانے کی, اور یہ کہا کہ صاحب یہ ایک جہد مسلسل ہے, کنٹینیوس پروسیس ہے جد و جہد کا, کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جد و جہد کر کے اپنی خواہشات میں ضرورتوں اپنی طرف کو پورا کرتے رہے, اسی پورا کرتے رہنے کا نام جو ہے ترقی ہے, سمجھایا گیا. لیکن اس کی حد نہیں بتا پائے, حد جو ہے وہ ہندوستان کے ایک شاعر نے بتا دی, اور اس کا نام ہے غالب. غالب نے اکنامکس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اس پروسیس کو تسلیم کیا کہ جہد مسلسل کوشش کرتے رہنا جو ہے ترقی ہے, لیکن کلاسیکل اکانومکس نے تو صرف اتنا بتا دیا کہ آپ جہد مسلسل کرتے رہے لیکن کوئی اس کی حد نہیں بتائی. ہمارے غالب نے کہہ دیا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب, ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم. خدا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جہد پہن کا اتنا ہے, پوری کائنات کو ہم نے ایک قدم میں پار کر لیا, اب پوچھ رہا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب. ہم نے دستے امکا کو ایک نقشے پا پایا, یہ ہے ترقی کی معراج جو غالب بتا رہے ہیں. کلاسیکل اکانومکس تو چھوڑیے, اب ایک دوسری بھی آپ کو مثال دوسری طرف کی بتا دوں, وہ یہ
कि साहब इकोनॉमिस्टों ने बड़े तरफर के साथ एक मॉडल पेश किया डिवीजन ऑफ लेबर का, कि जितनी आप मेहनत को तकसीम करते जाएंगे स्पेशलाइजेशन होता जाएगा उतनी ही तरक्की होती जाएगी। ये डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की तरक्की के लिए, इसलिए तमाम क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने इस डिवीजन ऑफ लेबर पर बड़ा जोर दिया, बड़े बड़े मॉडल्स तैयार किए डिवीजन ऑफ लेबर के सिलसिले में। मैंने मान लिया कि साहब मेहनत की तकसीम स्पेशलाइजेशन पैदा करती है, वक्त बचाती है, कास्ट को कम करती है, ये सब जो है तरक्की का बड़ा सहारा है। लेकिन इसके लिए इतनी कोशिश करके जो मॉडल बनाए गए हैं इसको एक तरफ रखिए और एक गांव की देहाती औरत का डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी समझ लीजिए, जो हिंदुस्तान के जाहिल गांव की औरत इस डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताती है। वो कहती है बैठ करके कि ताल में चमके ताल की न रही, ताल में जो चीज पैदा होती है वही पैदा होगी कुदरत के हिसाब से, चाहे कमल का फूल खिले चाहे सिंघाड़े पैदा हो, ताल में चमके ताल की न रही, खेतन में गेहूं की बाली, खेत में जो चीज पैदा होने वाली है वो खेत में पैदा होगी। ये कुदरत का निजाम है डिवीजन ऑफ लेबर का, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेस का, ताल में चमके ताल की न रही, खेतों में गेहूं की बाली, सभा में चमके पू की पगड़िया, मर्द काम बाहर की दुनिया में अपना काम करना है, सभा में चमके पू की पगड़िया, घर में चमके चोली हमार। ये है डिवीजन ऑफ लेबर जिसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स में मार मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री दिस दैट लगा करके सब कुछ बना दिया, लेकिन एक गांव की जाहिल औरत इसको अच्छी तरह समझती है कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, सभा में चमके पी की पगड़िया, घर में चमके चोली हमार। अब एक छोटी सी बात कहके आपके इस पूरी कोशिश को बहरहाल थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूं, ये कि देखिए कदर बहुत कुछ, बड़ी करोफर के साथ इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी कदर की बात की जाती है, वो तो हम सब बाद में अगर कभी मौका मिला तो बता देंगे, हम तो आपके घर की बात बताते हैं। कोई सामान बाहर से लाया, आपने उस सामान को देखा, क्या रद्दम होता है आपका, अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज लिया है, कितने की मिली, आपने पैसे बताए, अरे ये तो बड़ी सस्ती मिल गई, या दुकानदार के आंखों में धूल झोंक के ले आए, इस तरह के अल्फाज, आप अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स की पूरी थ्योरी बोल रहे हैं। वो इस तरह से कि जब आपकी निगाहों के सामने वो चीज आई तो उस चीज के अंदर छिपी हुई कदर वैल्यू को आपके आंखों दिमागों ने नापा, फिर उसके हासिल करने में जो आपने खर्च किया उसकी डिसयूटिलिटी, जो आपके जेब से पैसे निकले, जो आपने उसकी कीमत अदा की वो डिसयूटिलिटी, उसको आपने देखा, दोनों का मुवाजना किया।
अब अगर मिलने वाली चीज की वैल्यू जो है वो जाने वाली चीज की वैल्यू से कहीं ऊपर है तो कह दिया भाई सस्ती मिल गई, कहां से लिया है। और अगर जेब से निकलने वाले पैसे की वैल्यू कहीं ज्यादा हुई आगे आने रखे वाली चीज की तो कह दिया पैसे कहां मेट दिए। आपने देखा कि आप बोल नहीं रहे हैं, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी, इकोनॉमिक्स के एक ला जो कुदरती ला है उसको आप बोल रहे हैं, और जब दोनों बराबर हो गए तो कह दिया हां ये तो बहुत अच्छी लाए, बहुत मुनासिब पैसे में मिल गई। ये देखिए कद्र की पहली मंजिल है। अब एक कद्र जो होती है वो डिस्टेंस की होती है, दूरी की होती है। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को गंगा की पवित्री का वो एहसास नहीं होता जो हजारों मील दूर रहते हैं उनसे। ये डिस्टेंस है वो कद्र बताता है। मक्के और मदीने में रहने वाले लोगों को मक्के और मदीने की वो कद्र नहीं होगी जो हजारों मील दूर रहते हैं उनसे। ये है डिस्टेंस की वैल्यू। इसको इंसान ने समझा, इसको इकोनॉमिक्स ने समझाया। फिर एक होती है उम्र की वैल्यू, वक्त की वैल्यू। बूढ़े आदमी जो है वो अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में देखते हैं। वो कहते हैं हमारा फ्यूचर ज्यादा मोतबर हो, ज्यादा मुतमईन हो, इसलिए आज बचत कर लो ताकि कल काम आए। अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट को देखते हैं। ये जो है वक्त बताता है। नौजवान इसको नहीं समझता, नौजवान सिर्फ प्रेजेंट को समझता है, फ्यूचर को नहीं समझता। इसलिए कदर जो है उसका ताल्लुक सिर्फ प्रेजेंट से नहीं है बल्कि फ्यूचर से भी है। तो किसी चीज की कदर सिर्फ इस पर नहीं है कि उसके अंदर कितनी पावर है हमारी जरूरत को पूरा करने की, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वो वक्त के हिसाब से, दूरी के हिसाब से क्या अहमियत रखती है। अब आपने देखा कि इकोनॉमिक्स जो वो कैसे धीरे धीरे आपके ख्यालात, आपके जज्बात और आपको एक मुकम्मल कामिल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे, और यही कोशिश जो है मैं समझता हूं इकोनॉमिक्स को बहुत ही मोतबर और मुतकद बना देगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।